प्रूफ ऑफ एमजीएच। आइए देखते हैं कैसे करना है इसे। ये हमारी अर्थ है और यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है सेंटर से आर की दूरी पे। ध्यान रखना हम यहां से नहीं काउंट करते कभी भी, हमने ये नई चीज सीखी है इस चैप्टर में, यहां से करते हैं। बचपन में हमेशा हम जमीन से ही काउंट कर लिया करते थे और बांदी जो ऑब्जेक्ट उठा के यहां ले जाए। मैं हमेशा सोचता रहता था कि मैं मान लो अगर आठवें माले पे रह रहा हूं तो मेरी एमजीएच जीरो है क्योंकि मैं तो अपनी छत से गिनूंगा। जब मैं ग्रेविटी पढ़ी मैंने तब पता लगा कि यार सेंटर से गिना जाता है, क्योंकि हमारी सबकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ ना कुछ पहले से है क्योंकि गिनती सेंटर से होती है ना। किसी की जीरो नहीं है धरती पर, किसी की पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं है धरती पर। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस जो हो सकता है वो जीरो मान सकते हो आप, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी तो कुछ ना कुछ होती होती है। एनीवेज एच हाइट पर चलेगा और यहाँ से यहाँ तक किस डिस्टेंस हो गया आप आर प्लस एच पर, तो वर्क डन जो होगा वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगा ना। आप अगर यहाँ से यहाँ उठाओगे तो पहले कोई पोटेंशियल एनर्जी थी आपकी ऑलरेडी, मैंने बोला ना आपकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो से सेंटर ऑफ द अर्थ पे होगी। कभी टाइम मिले तो खोद के अंदर पहुंच जाना, जीरो कर लेना अपनी, लेकिन जब तक सर्फेस पे कुछ ना कुछ है पोटेंशियल एनर्जी और ऊपर जाओगे तो बढ़ जाएगी। तो डेल्टा पी ई इसको यू से भी दिखाते हैं, और वो कैसे निकाला था, ऐसे निकाला, और याद करिए इनिशियल पॉइंट और ये आपका फाइनल था जब एक्सटर्नल से किए थे ना काम। कहाँ गया ये देखो, एक्सटर्नल में आर ए माइनस आर बी था। आइए निकालते हैं इसको। जी एम एस एम नॉट, आर ए क्या है सॉरी वन बाय आर, धरती पर है आप ऊपर पहुंच गए आर प्लस एच, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। जी एम एस एम नॉट मैं डिवाइड बाय आर स्क्वायर कर रहा हूँ, कुछ वजह है ठीक है, और यहाँ पे आर स्क्वायर से करूँगा तो यहाँ आर बचेगा और यहाँ क्या बचेगा आर अपॉन आर प्लस एच। नीचे मैंने ऊपर मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर किया, यहाँ आर स्क्वायर आ जाएगा। सॉरी क्या किया मैंने, मल्टीप्लाई बाय आर एंड डिवाइड बाय सॉरी मल्टीप्लाई डिवाइड बाय आर स्क्वायर ये किया है, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना, ताकि यहाँ पे आर स्क्वायर आ जाए। एक्चुअली इसका कारण ये कि इसको मैं जी लिख लूँगा, फिर मैं सरफेस वाला जी जो लिख दिया जी सरफेस जो यहाँ सरफेस पे होगा एम नॉट, और अब एलसीएम लो आर स्क्वायर प्लस एच आर माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच। क्या आया एम नॉट जी एस ये कैंसिल एच, और नीचे मैं लिखे जा रहा हूँ आर को वन प्लस एच बाय आर, ये मेरा पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा डिफरेंस, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने एच छोड़ दिया और आर को नीचे ले गया हूँ। नाउ फॉर एच वेरी वेरी लेस देन आर वन प्लस एच बाय आर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू वन, निगलेक्ट कर सकते हैं ठीक है। तो निगलेक्ट कर दिया अल्टीमेटली वन प्लस एच बाय आर को हटा के बना दिया, वी हैव गॉट द डेरिवेशन एम नॉट जी एस एच, यानी कि ये जो आप एम जी एच लिखते रहते हो ना पहली बार, ये पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस होता है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता। हम लोग बोलते रहते हैं पोटेंशियल एनर्जी का एम जी एच, दूसरी बात इट्स नॉट पोटेंशियल एनर्जी, इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, और दूसरी बात ये भी एक्यूरेट नहीं है। ये फॉर ये फॉर्मूला जो है वो एप्लीकेबल है फॉर एच लेस देन आर, अदरवाइज अगर एच कंपेरेबल हो जाएगा तो आप ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो हमारे पास डेरिवेशन आगे प्रूफ एम जी एच इट इज अंडर सर्टन कंडीशन। तो पहली कंडीशन क्या थी कि एच लेस देन आर है, और दूसरी कंडीशन ये थी कि इसमें क्या बोला था मैंने, हाँ कि ये पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है, कंडीशन नहीं है ये फैक्ट है कि ये पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस होता है। तो ये नाइन्थ क्लास में फॉर्मूला आया था, ये कैन सी डेरिवेशन एंड द फैक्ट सच्चाई रिगार्डिंग इट, इट्स नॉट पोटेंशियल एनर्जी, इट इज पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस।